नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी में भाजपा का लाभार्थी संपर्क अभियान कार्यशाला का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के मंडल बिलारी में मंदिर पौड़ाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी की मंडल स्तरीय लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह अभियान 10 मार्च तक चलाया जाएगा तथा इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताएगा। सभी ने एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के बिलारी नगर अध्यक्ष विकास गुप्ता ने की तथा मंच पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुंदर की कमल प्रजापति, लोकसभा संभल के संयोजक पंकज गुप्ता, महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, भाजपा महिला मोर्चा से प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा, मुकुल पांडे आदि उपस्थित रहे। कार्यशाला में पूर्व नगर अध्यक्ष केपी ठाकुर, नगर उपाध्यक्ष संजू शर्मा, गीता कोहली, विशाल गुप्ता, धर्मेंद्र गांधी सहित मंडल के सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपकी आवाज के बीच हमारे मंडल टोली आपको बनी होगी, उसमें महिला शामिल है, भैया शामिल है, उस टोली को लेके आधी आवाज के बीच आप सबको जाना है और आधी आवाज को बताना है कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोदी ने लागू की है, पत्रक दी हुई है, पत्रक साथ घर लेके जाएंगे और उन भैरों से 9090902024 पे मिस कॉल भी लगवाना है, टोल फ्री नंबर है पार्टी का, मिस कॉल भी लगवाना है। साथ साथ अगर नमो डाउनलोड ना हुई है तो नमो ऐप भी डाउनलोड कराना है। सारे अभियान समानांतर चलेंगे, एक के साथ एक अनुपक अभियान है और सभी अभियानों का उद्देश्य एक ही है कि अधिक से अधिक विस्तार पार्टी का हो। वीडियो बनाए, फोटो खींचे और सरल ऐप पर भी डाउनलोड करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है 400 प्लस 400 पार। आपकी बार मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जैसे 2014 में हमने अपनी लोकसभा को जिताया था और 2019 में 1,25,000 वोट हमें गठबंधन के बाद भी ज्यादा मिले थे, तो 2024 में हम पुनः संबल लोकसभा जीते और ये सब कब जीतेंगे, ये सब हम सब कार्यकर्ता पहले 2014 में भी 2019 में भी हम सब लोगों ने मेहनत की, सब कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग रहा, सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, मेहनत करी, बूथ पर जाकर वोटिंग की, प्रचार प्रसार भी किया, तो हम 2014 में लोकसभा जीते। और मैं कहना नहीं चाहता कि लेकिन हम कई बार से बिलारी विधानसभा हार रहे हैं, जबकि बिलारी विधानसभा हमारी जीतने वाली है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए कि वाकई हमें बिलारी विधानसभा वो अगली बार। आज लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत ये मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये विधानसभा बिलारी का मंडल है, बिलारी मंडल। इस मंडल में सभी पदाधिकारी लाभार्थियों से संपर्क करने हेतु ये शिक्षित प्रशिक्षित किए गए थे। इसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी लाभार्थी बूथ स्तर तक हैं उन सभी से मिलने का काम किया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की नमस्ते पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। सर, अभियान कब से कब तक चलेगा? ये 25 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ता लाभार्थियों से जाकर के संपर्क करेगा और इस संपर्क के तहत जो लाभार्थियों को पता नहीं है कि किसकी सरकार के माध्यम से हमको लाभ मिला है, ये सब कुछ जानकारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में बताने का काम करेंगे। सर,